पे यही मिल सकता है कि हमारे घर का जो है सो ये आप बिजली का बिल कह लीजिए, आप उसमें कह लीजिए, तो पासपोर्ट पे पुराना वाला एड्रेस लिखा हुआ कोई है। बात नहीं, जो भी आप लगा लीजिए, आप जो भी चीज है वो लगा लीजिए, जो भी आपके पास उसके अंदर अवेलेबल है वो आप लगा लीजिए, तो हाँ उसको आप लगाएंगे तो उसको हम इसको सबमिट करके, आप सेल्स डिपार्टमेंट में देकर आए थे ना डिवीजन में, तो जी वहां से उन्होंने जी अगले दिन ही वापस भेज दिया, ये वाला अच्छा रिक्वायरमेंट उन्होंने बताया और इसको वापस भेज दिया, तो तो आप आके इसको देऊं एड्रेस क्या प्रूफ कल? इसको लगा लेंगे तो या, हाँ जी एड्रेस प्रूफ लगा के आपका ये हो जाएगा। तो आ करके दे दूं क्या कल? आप या तो आकर दे दीजिए या तो आप उसका फोटो खींच अरे के सर मुझे आज व्हाट्सएप पर भेज आप क्यों बार दीजिए। बार कष्ट करेंगे, मैं भी तो आ सकता हूँ, एक बार मैं कल आ जाऊंगा, कल आके दे दूंगा। वेलकम वेलकम, आप जरूर आइए, या तो आप आ जाइए, या तो आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, या तो आप टेलीग्राम पर भेज दीजिए, या तो आप ईमेल पर भेज दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए, जी जी आप जिस भी जी तरीके से करेंगे उस तरीके से चलेगा ठीक है सर। जी। और क्या प्रोग्रेस इसके अलावा? इसके अलावा सर अभी प्रोग्रेस तो ऐसे है, और डेली डेली बात है उसका, कोई पैसा प्रोग्रेस नहीं है। कभी होता है किसी से बात, कभी याद में पर वो अभी कोई प्रोग्रेस ऐसे बोलने का बताने का कोई पॉलिसी ऐसे बेचने का, किसी से बात कर लिया हो ऐसी रिमार्केबल कि उसको बताई जाए, वो तो अभी तो नहीं है, बस चली रही है, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, कोई कोई कर बात रहा हूं नहीं। मतलब। वी आर, जी वी आर इनटू ए नंबर्स गेम, हम एक प्रकार के नंबर गेम में हैं। नंबर गेम का मतलब है हमारा लोगों से कितनों से संपर्क किया उससे हमारा सक्सेस डिपेंड करता है, हमारा सक्सेस इस बात से डिपेंड करता है कि हमने कितने लोगों से मीटिंग किया, कितने लोगों को इंश्योरेंस का बातचीत किया, कितने लोगों को इंश्योरेंस के लिए कॉन्टेक्ट किया। इसके लिए ये जी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमें नॉलेज कितनी है। हाँ नॉलेज का रोल होता है, नॉलेज का रोल होता है। कल जो राजेश टैगोर जी का जो क्लास था उसके अंदर भी स्पेशली बार बार यही बात निकल कर आ रही थी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको नॉलेज कितनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप स्मार्ट कितने हैं, आप हैंडसम कितने हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने लोगों को कॉन्टेक्ट करते हैं, आप कितने लोगों को बातचीत करते हैं, आप कितने लोगों को मिलकर आते हैं और डेली बेसिस पर कितनों को मिलकर आते हैं जी जी। और कुछ आप बताना चाहेंगे? और क्या प्रोग्रेस आपने इंश्योरेंस के बारे में? आप कह रहे थे मैं विजिटिंग कार्ड बना रहा हूं, तो उनका विजिटिंग कार्ड आपके बने कि नहीं बने? विजिटिंग कार्ड का वो नहीं बोल रहा था मैं, आप शायद उसको अच्छा नहीं, विजिटिंग कार्ड का नहीं बोला था, वो तो कह रहे ही है। मैंने ये बोला था जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, किसी किसी आप चीज में हाँ विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, एक ऑफिस रख लेते हैं, एक लड़का रख लेते हैं कहीं यहाँ पे मैं, और फिर उसके में हाँ वो थोड़ा सा जाता होता है, या फिर इस तरह के जी हम लोग काम करते हैं। इससे अच्छा था कि हम लोग ठीक जैसे है ठीक है प्रोस्पेक्टिव अपने क्लाइंट को जो मिले ला करके, जब मान ले कि हाँ ये बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल ऐसा है कि इसको लेना है, या हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, या कन्वर्ट हो जाएगा कुछ देर में हो जाएगा, तो एज अ मेजर ऑफ थोड़ा सा उसको मतलब इंसेंटिव देने, इंसेंटिवाइज करने के लिए हम उसको जी पॉलिसी का असल मंगाए उसको, कि अगर पॉलिसी है हमारी 20,000 रुपए से 18,000 20,000 रुपए सालाना का पॉलिसी हो जाता है, 18,000 का छोटा पॉलिसी हो जाता है, जी तो 1,500 रुपया हो गया, ठीक 2,000 रुपया का पॉलिसी हो जाता है महीने का, तो 1 महीने का कर करा के पेमेंट कर करा के प्रीमियम लगा के दे दिया उसको, अपने पास से इन्वेस्ट कर हाँ लिया 2,000 रुपये, ठीक मतलब ये कह रहे हैं। तो उससे जी क्या हुआ, उस पर ठीक बात गिफ्ट है भी हो ठीक। गया और बाकी वो कर रहा है काम, उस 2,000 रुपये जो हम दे रहे हैं उस पे भी हमारे को 25% या कुछ और में मिलेगा ही मिलेगा। जी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है तो हम इस तरह से थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोच करके इस तरह के बात में काम कर रहे हैं, और इसी काम पे हम मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे ही। हाँ ठीक है ठीक है, तो ये था सर, हम इसकी बात आपने करते अच्छा हैं, बाकी सोचा है, बढ़िया कार्ड तो सोचा है है ही है, आपने। कार्ड तो हमने बना करके रखना ही है, देना ही है। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया। हमारे पास और भी साथी अभी इस समय कॉल पर हैं, हमारे पास हरिराम जी हैं, तो देशराज कपूर जी हैं, सो रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई हरिराम जी को, देशराज कपूर जी को, मनीष जी को। आप साथी कुछ बोलना सर चाहेंगे? आपका क्या प्रोग्रेस है? किन किन लोगों से बातचीत आपका हो पा रहा है? मीटिंग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? क्या क्या समस्याएं आपको आ रही हैं लोगों से मिलने में, बातचीत करने में, डिस्कशन करने में? आप व्हाट्सएप के द्वारा पॉलिसी भेजते हैं या तो पर्सनली जा
बेच रहे हैं या तो आपको सर्विसिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी आप कुछ बताना चाहेंगे? कल मनीष जी ने ट्रॉफी क्वालिफाई किया, कल मनीष जी को बहुत बहुत बधाई उसके लिए। जो एसडीएम जो तीन तो खैर वो कर चुके थे पहले से, तीन के बाद चार कर चुके थे पहले से, तो साथ में उन्होंने दो और करके वो एसडीएम वनरिंग के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया। आज ट्रैक्टर रैली है, तो ट्रैक्टर रैली किसानों का है, तो रिपब्लिक डे का वैसे तो हर साल फंक्शन होता है दिल्ली डिवीजन 2 का, आज भी होने वाला था लेकिन अभी ट्रैक्टर रैली के कारण जो है माहौल हो गया डिस्टर्ब। तो मैं कुछ एक लोगों ने कहा कि भाई ये ट्रैक्टर रैली, ये बॉर्डर्स वगैरह लॉक्ड हैं, तो अब जो लोग हमारे पास, क्योंकि हमारे पास बॉर्डर के पार वाले भी एजेंट्स अवेलेबल हैं, एजेंट्स हैं, मार्केटिंग ऑफिशियल्स हैं, डीओज हैं, तो वो सब हैं। तो मुझे लगता है ये प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे पीछे रखने की जरूरत पड़ रही है। खैर जो भी है वो सब तो होगा, जो भी एसडीएम मॉनिटरिंग है, 6 पॉलिसीज के ऊपर एसडीएम मॉनिटरिंग होने वाला था, वो सब तो होगा। तो मनीष जी को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने इसको क्वालिफाई किया है, कल 2 पॉलिसी जमा करा के मनीष जी ने इसको किया है। कल तकरीबन 7:30-8 बजे तक भी मैं अवेलेबल था, जितने भी पॉलिसी नंबर, कोशिश किया कि हम उसको लगा सकें, फिर उसके बाद पता लगा कि इन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दिया है, क्योंकि कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत कभी कभी स्लो हो जाता है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, कुछ एक ब्रांचेस में ये सब भी ये थोड़ा सा समस्या था कि इसको थोड़ा सा टाइम इसको कंप्लीशन के लिए दिया जाए, तो इस वजह से इन्होंने कंप्लीशन का टाइम दिया है आज का, कल का टाइम दे दिया है। बीओसी जमा होनी चाहिए 25 जनवरी तक की, बीओसी जमा होनी चाहिए थी, लेकिन इसको कंप्लीशन का टाइम इन्होंने कल तक का दे दिया है। सो हमारे 2 पॉलिसीज 3 पॉलिसीज हैं जो कि नंबरिंग लगना बाकी है, कल भी हम कोशिश किया काफी देर तक इसका हो जाए कंप्लीट, लेकिन ठीक है फिर भी एक आध है, वो सब हम लोग कर लेंगे और ये फंक्शन एसडीएम मॉनिटरिंग का होएगा। सो मनीष एक बार फिर से बधाई कि इन्होंने ये वाला क्वालिफाई किया जी। तो कौन बताना चाहेंगे अपने अनुभव के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी प्रोग्रेस के बारे में, या तो क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं? अबूर साहब या तो हरिराम जी या तो मनीष जी कुछ आप बोलना चाहेंगे, आपकी इच्छा है? क्या हो गया बेटा? मनीष जी बीच में पता नहीं क्या वॉइस में क्या डिस्टरबेंस है या क्या है ये मालूम नहीं चल रहा है, कुछ तो है, आप दोबारा बताएं। क्या हो गया? हाँ हाँ बताएं। अपने क्या ब्रॉडबैंड के थ्रू क्वेश्चन कर रखा है क्या, या तो मोबाइल डाटा के थ्रू रखा है, ब्रॉडबैंड के थ्रू किया है या तो मोबाइल डाटा के थ्रू किया है? कुछ अब दोबारा बोलिए, आवाज ठीक से कुछ आ नहीं रही है आपकी। नहीं सो कोई बात नहीं, आप यदि अपनी एक्टिविटीज शेयर नहीं करना चाह रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएंगे, बस कपूर साहब इस समय यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो कल का जो प्रोग्राम रहा मिस्टर टैगोर का, राजेश टैगोर का जो क्लास रहा, खैर ये वाला सेकंड सेशन था, इसका रिकॉर्डिंग खैर अवेलेबल नहीं हो पाया जिस तरीके से पहले वाले का अवेलेबल हो पाया था, तो इस वाले का तो अवेलेबल नहीं हो पाया। इस बार इन्होंने सिक्योरिटी पहले से बढ़ा दी थी, पहले इसका ज्वाइनिंग का तरीका इन्होंने बढ़ा दिया था, ये इन्होंने शुरू में ही बताया था कि इस बार हमारी ज्वाइनिंग सिक्योरिटी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो अब रिकॉर्डिंग इसका जो है ऑन पेमेंट अवेलेबल है, और खैर वो जब भी होएगी। कपूर साहब आप बताना चाहेंगे कल के जो प्रोग्राम था मिस्टर राजेश टैगोर वाला जो है, उसके अंदर आपको क्या क्या अच्छा लगा कल के प्रोग्राम के अंदर, आप आए थे वहां पर अवेलेबल थे, कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं कपूर साहब कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे शुरू करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ कल के प्रोग्राम के बारे में। आपकी इच्छा है सभी की जानने की कल के प्रोग्राम के अंदर क्या रहा, क्या नहीं रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब आप बताना चाहेंगे क्या? हाँ कुछ कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग, हैप्पी रिपब्लिक डे जी। अपना माइक खोल लीजिए कपूर साहब। क्या माइक का प्रॉब्लम है क्या? माइक उनका बंद है। अरे अरे
माइक कपूर साहब माइक ऑन करेंगे तो आप बोल पाएंगे, मुझे लगता है माइक आपका बंद है तो शायद इस वजह से आप बोल नहीं पा रहे हैं। आपकी आवाज मतलब आप बोल तो रहे हैं लेकिन आपकी आवाज मुझे लगता है यहाँ तक नहीं आ पा रही है, तो आपको माइक ऑन करने की जरूरत है। माइक 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 को ऑन करने की जरूरत है। कपूर साहब चैट में लिखूं मैं, क्या करूं मैं चैट में लिखूं? लिख करके दिखाना पड़ेगा सर, कागज पे लिख करके। अच्छा कपूर साहब को प्लीज स्टार्ट माइक, मैंने जो है यहाँ पर लिखकर दिखा दिया है, जो चैट के अंदर मैंने लिखकर दिखा दिया है। सो चैट के अंदर खैर अब कपूर साहब का पता नहीं क्या बात है, मिस हो रहा है, अभी भी मिस हो रहा है, अभी भी उनका नहीं समझ में आ रहा है। ओके सो मुझे लगता है कि अब हम चलाएं क्या दूं। ओके कपूर साहब यदि नहीं बोल पा रहे हैं, कागज पेन पे मुझे लगता है शायद लिखना पड़ेगा। सो कल का प्रोग्राम के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी असाइनमेंट, जो कि असाइनमेंट हमारा था पिछले हफ्ते भी असाइनमेंट था, वो मिस्टर राजेश टैगोर का असाइनमेंट था भाई, कम से कम एक एक्स्ट्रा आदमी को आप मिलकर आए, कम से कम एक एक्स्ट्रा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, किसी न किसी नए आदमी को आप मिलकर आए। सो बहुत सारे साथी 295 लोग थे उस वाले प्रोग्राम के अंदर और बहुत सारे साथी वो वाला असाइनमेंट करके आए थे, बहुत अच्छा लगा। एक उन्होंने कल स्टोरी बताया तीन मजदूरों की कहानी, घंटे के प्रोग्राम है, मैं उसको फटाफट 2-4-5 मिनट के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। तीन मजदूरों की कहानी, मुझे लगता है कि कपूर साहब यहाँ पर हैं, उनका भी शायद थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो तीन मजदूरों की कहानी ये रही कि एक लड़की खेल रही थी वहां पर समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे खेलते खेलते उस लड़की ने जाके उनको पूछा, भाई आप क्या बना रहे हो? पहले वाले मजदूर को पूछा, मैं ईंट के ऊपर ही टकराऊ। लड़की चली गई, खेल फिर थोड़ी देर बाद आई, दूसरे मजदूर को पूछा, कहती आप क्या बना रहे हो? कहते जी मैं दीवार बना रही हूँ। आपने हो सकता है ये वाली कहानी पहले सुनी हो, तो लेकिन एक बार हम इसको एक नए एंगल से एक नए तरीके से सीखने की और समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद लड़की फिर दोबारा खेलते खेलते फिर से तीसरी बार आई, और तीसरी बार आके फिर उसके बाद तीसरे मजदूर से पूछती है आप क्या बना रहे हो? तीसरा मजदूर कहता है जी मैं यहाँ मंदिर बना रहा हूँ। लड़की को अब पूरी तरीके से समझ में आ गया कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है। तो उसने मजदूर से पूछा, अच्छा यहाँ पे वो जो भगवान होते हैं वो वाला मंदिर बना रहे हो आप? तो मैं, तो वो मजदूर कहते हैं हाँ जी मैं वही मंदिर बता रहा हूँ। कहता है अच्छा ठीक है, तो मैं मतलब मंदिर के अंदर भगवान भी होंगे? कहता हाँ जी भगवान भी होंगे। तो क्या मैं उधर आ सकती हूँ मंदिर के अंदर भगवान की? मैं कहता हाँ जी बिल्कुल आ सकते हो। क्या मेरे मम्मी पापा भी आ सकते हैं, वो जो उधर बैठे हुए उधर कोने में बैठे हुए? हाँ जी वो भी आ सकते हैं। लड़की को पूरी तरीके से समझ में आ गया, लड़की ने उसके बाद दोबारा से जाके खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद वो लड़की वहां पर नहीं आई, पूछने के लिए कहने के लिए कुछ भी करने के लिए नहीं आई। अब सवाल हमारा ये है कि क्या पहले वाले मजदूर ने गलत बोला था, या तो दूसरे वाले मजदूर ने गलत बोला था, या तो तीसरे वाले मजदूर ने गलत बोला था? आप में से कौन बताएंगे कि क्या हुआ? आप में से कोई बता सकते हैं, कोई भी साथी इस बारे में? हेलो, मुझे लगता है अकेले मैं ही बोलता जा रहा हूं और हमारा जो मीटिंग है वो टेलीविजन बन चुका है, वो टेलीविजन होता है ना, वो सिर्फ टेलीविजन ही बोलता है, वो उसके बाद हम उससे बातचीत नहीं कर पाते हैं। सो एनीवे आप बता सकते हैं कि ये तीनों में से मजदूर में से कौन से ने गलत बोला, कौन से ने सही बोला? आपको माइक ऑन करना पड़ेगा अपना, यदि आपको बोलना है तो फिर आपको माइक ऑन करना पड़ेगा, उसके बिना आपकी आवाज यहाँ पर नहीं पहुंचेगी। जी तो कौन बता सकते हैं तीनों में से कौन से मजदूर ने सही बोला, कौन से ने गलत बोला? ओके आपका जवाब मेरे पास नहीं आ रहा है, मुझे लगता है मुझे टेलीविजन की तरह अकेले खुद ही अपने आप से बातें करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर लेता हूँ अपने आप से बातें करने की। सो फाइनली जो तीसरा जो मजदूर है, बेसिकली ये जो स्टोरी है एलआईसी एजेंट के बारे में है कि पहले वाले जो एलआईसी एजेंट हैं वो जाके पॉलिसी समझाते हैं अलग तरीके से, दूसरे वाले अलग तरीके से, तीसरे चौथे पांचवे छठे सब लोग अलग अलग तरीके से पॉलिसी समझाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरीके से पॉलिसी समझाते हैं कि कस्टमर को एक ही बार में समझ आ जाता है। कुछ एजेंट्स ऐसे पॉलिसी समझाते हैं कि कस्टमर तुरंत पैसा निकाल के तुरंत चेक दे देता है। सो अलग अलग तरीके हैं लोगों के पॉलिसी समझाने के। सो हम कैसे पॉलिसी समझाते हैं इस पर निर्भर करता है कि हमें चेक मिलने वाला है या तो नहीं मिलने वाला है।
सो एक्चुअली यदि आपस में बातचीत रहेगी तो आप भी इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। अकेला अपने आप से ही बातें करता रहूंगा तो वो तो मैं पहले भी कर ही रहा था। anyway, नहीं, चलो खैर आप, आप बोल रहे हैं तो उसको आप बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं उसको करने का। नहीं, ये सुनने का कुछ बात ऐसे हो जाती है बीच में कहीं अगर डिस्टरबेंस हो जाती है तो दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो उसके में हमने आपने क्या बोला, आपने क्या बोला उसको थोड़ा सा पहले वाले मजदूर ने ये बोल दिया उसमें हम थोड़ा सा मिस कर गए। अब हम आपको क्या जवाब दें जी? तो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है बताना। ये कोई ये बात नहीं। तो ये जो डिस्कशन है ये LIC एजेंट्स के बारे में है कि हम किस तरीके से पॉलिसी समझाते हैं उसके बारे में है। एक जो एजेंट है वो प्लान समझाते हैं, दूसरे जाके ये समझाते हैं कि पॉलिसी ले लो पॉलिसी ले लो पॉलिसी ले लो, तीसरे जाके ये समझाते हैं कि इलस्ट्रेशन से पॉलिसी समझो इलस्ट्रेशन देख लो, चौथे जाके ये कहते हैं कि मैंने नई एजेंसी चालू की। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग एजेंट पॉलिसी समझाते हैं, किसी को पॉलिसी मिलता है किसी को नहीं मिलता है, किसी को छोटा मिलता है किसी को बड़ा मिलता है। तो हम किस तरीके से समझाते हैं इस पर निर्भर करता है कि हमें कैसा पॉलिसी मिलेगा और कैसा नहीं मिलेगा। दूसरा जो उन्होंने कल किया रमेश और रजनी के बेटे के बारे में, रमेश और रजनी आपने नाम सुना है, रमेश और रजनी का नाम सुना है आपने? नहीं सुना है। तो रमेश और रजनी के घर के अंदर एक बेटा पैदा हुआ, तो उन्होंने पूरा का पूरा ध्यान रखा, बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दो बढ़िया ध्यान रखो। तो बच्चा शुरू से ही उसको पता नहीं क्या बात है, उसको जितने भी खिलौने थे तो सबसे ज्यादा उसको बैट और बॉल जो है उसको सबसे ज्यादा पसंद आता था। तो इनको लगा कि यार ये तो बैट और बॉल को ये ज्यादा इंटरेस्ट दिखता है, तो उन्होंने उसको क्रिकेट के अंदर प्रमोट करना शुरू किया। डेली उसको लेके जाते थे वहां पर बॉम्बे के अंदर, वहां पर आजाद मैदान, वहां पर वो क्रिकेट का ग्राउंड है तो उधर लेकर जाते थे। वहां पर उन्होंने एक महंगा सा उसके लिए कोच वहां पर ढूंढा, आचरेकर, आचरेकर के साथ उसको ट्रेनिंग कराया। आचरेकर एक बहुत ही महंगे कोच थे, इतना बढ़िया उसको ट्रेनिंग कराया, अपने बच्चे के लिए इतना बढ़िया प्लानिंग किया, बड़ा होकर ये बच्चा बना सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सभी ने सुना है, लेकिन रमेश और रजनी तेंदुलकर का नाम आपने नहीं सुना होगा। सो ये वाली स्टोरी कस्टमर को बताना क्यों जरूरी है कि देखो यदि हम बच्चे का एजुकेशन प्लानिंग शुरू से करते हैं, बच्चे का करियर प्लानिंग शुरू से करते हैं, वो आपका भी जो बच्चा है वो सचिन तेंदुलकर से कम नहीं है। वो जो बच्चे के लिए उन्होंने यदि बढ़िया कोच को पैसा नहीं दिया होता, बढ़िया कोच यदि नहीं रखा होता, तो सचिन तेंदुलकर आज क्रिकेट का किंग नहीं बन पाता। तो ये वाला स्टोरी कस्टमर को सुनाना जरूरी है। आप कहते हैं मैं इंश्योरेंस की बात कैसे शुरू करूं, तो ये कहानियों से क्या होता है इंश्योरेंस में ना, लोगों को इंटरेस्ट होता है और बातें जल्दी जल्दी शुरू हो जाती हैं और लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। इस तरीके से कल एक और स्टोरी उन्होंने बात किया कहानियों में, एक्चुअली पॉलिसी समझाओ ना, कहानियों में क्या है, कहानियों में निकले आप निकले कहीं भी निकले फटाफट सारी बातें समझ में आती है। इसके अलावा एक और भी बात था, हरी राम जी आपके पास में बहुत ज्यादा आवाज अभी धूप निकलने पे, जब नहीं बोल रहे हूँ तो शायद माइक कर लोगे और ना लोगे और फिर नाश्ता कर लोगे ओके। तो कृष्णा राज वृंदा, आपने कृष्णा राज वृंदा का नाम सुना है आपको? मनीष जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं ओके ठीक है। सो आप क्या बात है, आप चुप चुप क्यों हैं, ऐसा क्या बात है, मतलब कुछ और एक्टिविटी में बिजी हैं या तो क्या बात है, ऐसा चुप्पी क्यों छाई हुई है आज, ऐसा इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों है भाई? आपका यदि इंटरेस्ट है तो मैं ये स्टोरी कंटिन्यू करूं। कृष्णा राज वृंदा की कहानी है, कृष्णा बेटी को शुरू से ज्यादा अच्छा सिखाने की कोशिश किया, उसको भरतनाट्यम में डाला, उसका एजुकेशन के अंदर उसका करियर डेवलपमेंट के अंदर पैसा उन्होंने खर्चा किया और
बच्चे के ऊपर उन्होंने पैसा खर्चा किया, बच्चे का करियर प्लानिंग किया, इसलिए वो बेटी बड़े होके बन पाई मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय। ये वाला कहानी कस्टमर को सुनाना क्यों जरूरी है कि सर आपके पास भी बिटिया है, आपके पास भी बेटा है, आप भी यदि अपने बच्चे का करियर प्लानिंग करेंगे तो आपका बच्चा भी कल को ऐश्वर्या राय और सचिन तेंदुलकर बन सकता है और आपका बच्चा भी अच्छा ग्रो कर सकता है। आप भी अपने बच्चे के लिए प्लानिंग करिए, 50 रुपये रोज, 100 रुपये रोज, इस तरीके से आप प्लानिंग करिए। आपके बच्चे को भी कल 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए मिल सकता है करियर के लिए, एजुकेशन के लिए। सो क्या आपको ये स्टोरी काम की लग रही है या नहीं लग रही है? जो मैंने आपको अलग अलग तरीके की स्टोरी बताई, ये वाली स्टोरी कल वाले प्रोग्राम के अंदर से है। पता नहीं आपको काम की लगी कि नहीं लगी। आप में से किसी को काम की लगी यदि आप बताएं तो मैं तो मुझे पता लगे। हेलो। हाँ सर, स्टोरी आप इसमें इंटरेस्ट जगाती है। आप किसी का एग्जांपल बता के बताते हैं तो उसमें इंटरेस्ट जगती है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर के माँ बाप का हो या ऐश्वर्या राय का माँ बाप का। जी मतलब सेलिब्रिटीज के बारे में तो बताते हैं। एक्चुअली ये करियर प्लानिंग के लिए, ये एजुकेशन प्लान और चिल्ड्रन प्लान बेचने के लिए ये वाली कहानियां हैं। कहानियों से पॉलिसी जल्दी बिकती है। जब हम कहानियां बताते हैं, कहानी में क्या होता है, कस्टमर आता है और कहानी सुन के कस्टमर को समझ में जल्दी आता है, उसको फटाफट समझ में आ जाता है कि क्या चीज है। इसी तरीके से कल एक और स्टोरी के बारे में बात हुई कि विजयपत सिंघानिया 14,000 करोड़ के जेके ग्रुप के मालिक, जेके ग्रुप के। आपने विजयपत सिंघानिया का नाम सुना है कि नहीं सुना है? हाँ हाँ सुना है। आजकल अलग रहते हैं, बेटे ने निकाल दिया घर से। बेटे ने निकाल दिया। विजयपत सिंघानिया जी जो हैं 14,000 करोड़ के जेके ग्रुप के मालिक थे और रिटायरमेंट प्लानिंग उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपना सारा का सारा जितना भी पैसा था बेटे के नाम कर दिया, बेटे ने घर से निकाल दिया। आजकल वो कोलाबा के पार्क में कहीं किसी ने कुछ खाने को दे दिया तो खा लेते हैं, बेचारों की हालत खराब है। ऐसा कल मिस्टर टैगोर का जो बातचीत रहा उन्होंने बताया ऐसा। खैर, विजयपत सिंघानिया एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं आज से कई साल पहले पॉलिसी करने गया तो मैं 10-10 लाख रुपए का आर चेक लेकर आया था। मिस्टर विजयपत सिंघानिया की पॉलिसी मैंने करी थी, 10 लाख रुपए का प्रीमियम लिया था, प्लस उनके 3 फैमिली मेंबर्स का मैंने पॉलिसी किया था। उनको रिटायरमेंट प्लानिंग समझाने के लिए उन्होंने टाइम नहीं दिया। उनको ये वाला पॉलिसी था जो ऑलरेडी, ये वाला जो पॉलिसी था, जो बीमा निवेश जो पॉलिसी मैंने किया था कई साल पहले, मैं जेके हाउस गया था, आईटीयू पर जेके हाउस है, जेके हाउस के अंदर आईटीयू पर वहां पर वो सिंघानिया सारे के सारे वहां पर आज भी बैठते हैं, उस समय भी बैठते थे। तो मैं पॉलिसी हमारी टीम के एक साथी मिस्टर रितेश जैन जो है उस समय उनके साथ गया था, तो पॉलिसी हम 40 लाख वहां से उठा के ले आए थे। खैर वो अलग बात है, उस समय यदि मुझे समय मिलता डेफिनेटली मैं उनको रिटायरमेंट प्लानिंग जरूर बताता। तो ये वाली कहानी बताना क्यों जरूरी है भाई, जिस आदमी के 15,000 करोड़ थे यदि किया होता, मान लीजिए आज की डेट में उसको 2-4-5 लाख रुपए महीने का इनकम आने का यदि उसने प्लानिंग किया होता, तो उसका बेटा भले ही उसको पहली बात तो निकालने की हिम्मत नहीं करता, और यदि हिम्मत कर भी देता तो महीने का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए हर महीने उसको आ रहा है, तो उसको आजकल दूसरों की दया पर निर्भर रहने की जरूरत ना पड़ती। सो ये वाली कहानी रिटायरमेंट वाली कहानी है। इस कहानी के द्वारा लोगों को बहुत जल्दी समझ में आता है कि रिटायरमेंट करना क्यों जरूरी है। सो मैंने आपको ये अलग अलग कहानी बताई, इन कहानियों में आपको क्या क्या समझ आया बता सकते हैं कोई भी साथी? कुछ कहानियों में कुछ समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसा चीज है सर कि अपने भविष्य के बारे में उसको सिक्योर करने का नाम ही जो है ना वो इंश्योरेंस है। जी आपका भविष्य क्या होगा, आज आप क्या है, वैसे भगवान की दया होगी कैसे होगी, कल को आप करोड़पति हो सकते हैं। लेकिन आप करोड़पति हैं तो कल को आप जो सो बिल्कुल आप रोड पे भी आ सकते हैं, जो अच्छा आप बता रहे हैं। तो इसको सिक्योर करना और सिक्योर करना अपने भविष्य को एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है। इसको कैसे कैसे यही चीज तो हम अपने कस्टमर से बात करते हैं तो उनकी नब्स टटोलते होते हैं कि इनको क्या जरूरत पड़ सकती होगी, फैमिली क्या है, कैसे कर रहा है, बेटा क्या है, कहाँ है, इसकी बहू क्या कर रही है, उसका बेटी को कहाँ शादी किया, सब कुछ जानते हुए आपके दिमाग में भी एक इमेज बन जाती है इसके वाइफ को इतना इलनेस है, इसके आप इसको भी ऐसा हो सकता है, तो आपके दिमाग में कुछ बन जाता है, कुछ आपके दिमाग में बन जाता है।
और उसी का आप एक सोल्यूशन देते हैं उसको। बढ़िया, तो यू आर इनफैक्ट हेल्पिंग योर सेल्फ। जी, मेरे पास एक कल रात को क्या हुआ, थोड़ा सा मैं आज के एजेंडा से हटके बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी बात है इसलिए मुझे करनी पड़ रही है। कल रात को मेरे को पता लगा, एक टेलीग्राम, आप में से टेलीग्राम कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, आप हाथ हिला के बताएंगे तो पता लगेगा, टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। ओके, सो टेलीग्राम के अंदर एक फैसिलिटी है, व्हाट्सएप के मुकाबले यदि हम टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं तो टेलीग्राम के अंदर एक फैसिलिटी है कि आपके कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट में, फोन बुक की लिस्ट में जितने भी लोग जब टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि जी फलाने आदमी ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया। तो बहुत जरूरी मैसेज है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला मैसेज है, क्योंकि ये मैसेज, हम सात लोग यहाँ पर हैं, हम सातों में से किसी एक के बारे में है, तो मुझे दुख के साथ मुझे ये वाला मैसेज देना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है आपको। मेरे को पता लगा मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर एक आदमी का, मतलब क्योंकि टेलीग्राम वाले बताते हैं, हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई भी आदमी यदि टेलीग्राम ज्वाइन करता है तो व्हाट्सएप वाले, वो टेलीग्राम वाले जो है नोटिफिकेशन भेजते हैं, व्हाट्सएप वाले ऐसा नहीं करते हैं, टेलीग्राम वाले करते हैं। तो मेरे को नोटिफिकेशन आया कि जी फलाने आदमी ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया। सो मैंने उसको मैसेज लिख के भेजा, वेलकम मिस्टर एक्स वाई जेड टू टेलीग्राम। मेरे को उसका जवाब आया, थैंक यू सर। उसके बाद मैंने उसको मैसेज लिख के भेजा, आई होप मिस्टर, जो भी हमारी टीम के साथी हैं, इज टेकिंग गुड केयर ऑफ ऑल योर पॉलिसी नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, जितनी भी पॉलिसियां थी। उसके बाद मैंने उनकी पॉलिसियों का सभी का लिस्ट, उनका ड्यू डेट, उनका प्रीमियम, उनका सब कुछ मैंने उनको लिख के उनको भेज दिया। सो पूरा का पूरा पीडीएफ बनाकर भेज दिया, सर वो हमारी टीम के जो साथी हैं पूरा का पूरा ध्यान रख रहे होंगे आपकी पॉलिसी का, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा ये बात बताते हुए, और वो भी यहाँ पर आप सबके सामने ये बताते हुए मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरी में बताना पड़ रहा है। मेरे को जवाब जो आया है उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति से 3.5 लाख रुपए ईयरली का प्रीमियम हमने उठाया था, उस आदमी का जवाब क्या आया है, नो सर, मिस्टर एक्स वाई जेड नेवर शोड अप अगेन आफ्टर गिविंग मी द पॉलिसीज, ही डिसअपॉइंटेड मी ए लॉट। आपकी राय जानना चाहूंगा, इस तरह मैसेज मेरे पास आए, हमने पॉलिसी करी थी शायद 3-4 साल पहले पॉलिसी करी थी, 3,58,000 रुपए ईयरली का प्रीमियम उठाया था, और मेरे को अचानक इस तरीके का मैसेज कस्टमर लिख के भेजे, तो हमें क्या करना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा। मतलब वो, चलो उसको कस्टमर को तो मैं कॉन्टेक्ट कर ही लूंगा, मैं उसको बता ही दूंगा, जो भी समस्या है वो सब तो हम कर देंगे, लेकिन एक 3.5 लाख रुपए ईयरली देने वाले कस्टमर को हम इग्नोर करके देने के बाद हम उसको शक्ल ना दिखाएं, कॉन्टेक्ट ना करें, तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए इसमें? सर ऐसा है कि फॉलो अप तो टिच रखना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, चाहे वो 3.5 लाख रुपए देने वाला कस्टमर हो, चाहे वो 35,000 देने वाला कस्टमर हो, हाजिर देने का। लेकिन एक बात है जो हम उसमें कहना चाहेंगे, हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बदौलत हम कह रहे थे, जिस कस्टमर ने आपको ऑर्डर दे दिया और वो बड़ा साइजेबल ऑर्डर है, तो उसके अंदर ये भावना सी रहती है कि हमने इसको पैसा दिया है, हमने इसको अर्निंग किया है, तो अब तो मतलब ये, मतलब जैसे भी हम कहेंगे, जिस तरह से कहेंगे वैसे हम, जब हम इससे बात करेंगे तब ये बात करेगा, विच इज नॉट द केस। ये हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने पिछले आदमियों से बता रहे हैं। वैसे आपको फॉलोअप रखना चाहिए, जो सारा कुछ करके करा करके उनको दे दिया, उनको बताना, एक दो बार बताना, हासिल कराने, अगर उसका बात नहीं आया, उसका बाद जब फोन आया, वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप बिल्कुल एकदम खड़े रहें, बिल्कुल आप में एक पैर पे खड़ा रहना हर वक्त के लिए पॉसिबल नहीं होता है, चाहे वो कोई भी कस्टमर हो। जी 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 जी, ठीक है, बढ़िया। मैं तो फॉलो अप करूंगा मैं तो फॉलो अप करूंगा जरा, क्योंकि कस्टमर है और हमें अपना कस्टमर का बेस बढ़ाना है, हमें तो बिजनेस करना है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, तो हम तो नौकरी तो कर नहीं रहे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये हमारा बिजनेस है,
तो हमें बिजनेस करने वाला आदमी जो है वो थोड़ा बहुत नरम होकर ही चलता है, जब ये पैसे देगा, नहीं तो वो 10 आदमी से कह देगा इससे बात मत करो। जी 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 ठीक बात है, बढ़िया। सो हमारे पास रविराज किशोर जी अभी यहाँ पर मीटिंग के अंदर अवेलेबल हैं, तो रविराज जी आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग आखिरी के एक या दो मिनट हमारे पास बचे हैं। आज का प्रोग्राम आप सभी को कैसा लगा? हम लोग, हमारा पार्टिसिपेशन आज का ना के बराबर रहा, पार्टिसिपेशन रहा हमारे सिन्हा साहब का रहा, और बहुत ही अच्छा लगता है यदि बाकी साथियों का भी, भले ही आप अपना वीडियो ऑफ करके पार्टिसिपेशन कर लेते या तो जैसे भी करते, सो पार्टिसिपेशन यदि रहता है तो अच्छा रहता है, आपको भी पूरा का पूरा फायदा उसका मिल पाता है। हम सुबह सुबह हम यहाँ पर जो मिले उसका मकसद ये है कि आपस में दिन की एक बढ़िया शुरुआत हो, जो भी हमारी लेटेस्ट जानकारी है उसको हमें मिले, हमारी काम की बातें जो हैं वो सब हमको मिले, उनके बारे में हम बातचीत करें, पॉलिसी बेचने के लायक बन सकें, हम लोग ऐसा कुछ करें रोजाना हमारा पॉलिसी बिक सके। सो आज की मीटिंग के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर कपूर साहब को और लोगों को बता दीजिए, लिख के बता दीजिए कैसे भी अपना माइक खोल लें, या हरिराम जी को अपना माइक, तभी तो कुछ पार्टिसिपेशन होगी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी बात ठीक है। और हमारे पास रविराज किशोर जी हैं, रविराज जी आप? हाँ जी, सभी लोगों ने बंद कर रखा है, रविराज किशोर, मनीष जी। जी 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 नमस्कार नमस्कार अभिराज जी, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया सर जी। रविराज जी कुछ आप बताना चाहेंगे क्या? प्रोग्रेस आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप कुछ बताना चाहेंगे क्या नया चल रहा है, क्या ताजा चल रहा है? आज हमारी जो बातचीत हुई यहाँ पर आपके लिए, उसमें से आपको क्या क्या अच्छा लगा, कुछ आप बताना चाहेंगे किसी भी बारे में? बस क्या बताऊं, सब वही सब है सर, पहले वाला ही है। अच्छा, कुछ भी नया नहीं है, सारा का सारा वही रिपीटिशन है। आपको रिपीटिशन लग रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। नया अभी अभी आते आते घूम रहा है सर। अच्छा नया, चलो कोई बात नहीं। रविराज जी देखिए हमारा काम क्या है, जो क्रिकेटर होता है ना, तो क्रिकेटर का काम क्या होता है कि सुबह से लेकर शाम तक हर रोज उसको क्रिकेट खेलना है। सिंगर का काम है हर रोज सिंगिंग करना है। जो दुकानदार है हर रोज दुकान चलाना है। जो नौकरी वाला है हर रोज नौकरी पर जाना है। जो शोरूम वाला है हर रोज शोरूम में जाना है। इलेक्ट्रिशियन को रोजाना बिजली का काम करना है। पायलट को हर रोज प्लेन उड़ाना है। तो जिसका जो काम है उसको हर रोज करना ही है। तो इसी तरीके से हमारा जो है LIC एजेंट होने के नाते हमारा काम क्या है कि हर रोज हमें जो भी इसके लिए जरूरी है वो सब करना ही है। और क्या LIC में मतलब हमारा काम क्या है? नए नए लोगों को मिलना, नई नई पॉलिसियां बताना, नए नए कंसेप्ट बताना। सो ठीक है, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। शो ऑल द बेस्ट, आपका भगवान करे जो है आज आपका पॉलिसी जरूर दिखे, आपका सेल होना चाहिए। रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज कुछ साथी रिपब्लिक डे का परेड देखने में बिजी हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस का परेड आ रहा है, तो शायद हो सकता है गणतंत्र दिवस का आज परेड देखने में बिजी हो। सो ठीक है, अच्छी बात है, वो भी देखना चाहिए। एंड वैसे तो रिकॉर्डिंग आजकल अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, कम से कम 17-18 चैनल्स हैं जहां पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है परेड का, और हम कभी भी देख सकते हैं। यूट्यूब को टीवी के साथ कनेक्ट करके भी देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। सो इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। कल सुबह 9:15 हम मिलेंगे, क्योंकि सुबह 7 बजे से 9 बजे कमिटमेंट कोर्स का क्लास है, तो 9:15 हम मुलाकात करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड डे, बाय बाय, सी यू। धन्यवाद सर।